सो व्हाट्सअप गाइस, आज आपका भाई सिखाने वाला बहुत ही ज्यादा कमाल का सीवी फोटो एडिटिंग। आज तक कोई आप लोग का ऐसा सीवी फोटो एडिटिंग करने के लिए अभी तक कोई आप लोग को बताया नहीं गा। बस ऐसा सीवी फोटो एडिटिंग करने के लिए एंड तक गाइस बस वीडियो में बनना पड़ेगा। और साइड का कलर आप लोग कैसा चेंज कर सकते हो, दो कलर में आप लोग देख सकते हो हमारा साइड का कलर है तो कितना अच्छा हमारा फोटो लग रहा। और ऐसा सेम फोटो एडिट करके आज आपका भाई दिखाएगा, देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से और कितना कमाल तरीके से हमारा फोटो एडिट हुआ। और देख सकते हो इंस्टाग्राम पर आप लोग तबाही मचा ना, तो ऐसा सेम फोटो एडिट करने के लिए आप लोग को बनता है। और एक आप लोग फोटो एडिटिंग सीख रहे न्यू न्यू और सीखना चाहते हो तो बस एंड तक लिए वीडियो आप लोग देखना, आपके लिए ये आप लोग के लिए आप लोग वीडियो बनाए हैं कि गाइस आप लोग थोड़ा भी नहीं फोटो एडिटिंग करने है तो देख सकते हैं। रहा गाइस हमारा ओरिजिनल पिक, इसी पिक को हम क्या करेंगे एडिट करेंगे, जो भी आप लोग को ओरिजिनल पिक को एडिट करना रहे। और साइड को कलर को दो कलर ग्रेडिंग कैसे चेंज कर सकते सारा कुछ आपका भाई बताया है इस वीडियो में। और फेस को कैसे स्मूथ कर सकते सारा कुछ आपका भाई स्टेप बाय स्टेप। और साइड का कलर दो कलर में आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, बस आप लोग कुछ नहीं करना, ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं 10-12 मिनट का वीडियो, आप लोग पूरा एंड वीडियो देख ले तो कुछ ऐसा सीवी फोटो एडिटिंग करना आप लोग भी सीख जाओगे बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आप लोग को रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, आप लोग ले पूरा एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आप लोग को समझ आएगी। ऐसे आप लोग वीडियो की स्किप करके जाएंगे ना तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे, आपका भाई खुद बोला है। इसके लिए गाइस आपका भाई फुल बोलते रहता आप लोग फुल वीडियो वॉच करके, गाइस आप लोग को फोटो एडिटिंग सिखाते तो आप लोग फुल वीडियो वॉच करो तभी तो आप लोग को सारा कुछ समझ आएगा। सबसे पहले आप लोग को ओरिजिनल पिक के आप लोग लाइटरूम एप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेते हैं, हम फटाक से आप लोग फोटो को लाइटरूम एप में गाइस शेयर कर लें। कुछ ऊपर की साइड में ऐसा नोटिफिकेशन खुला, नोटिफिकेशन पर टाइप करके उसके बाद गाइस आप लोग एक प्रीसेट का लिंक कहाँ मिलेगा कैसे डाउनलोड करना आप लोग को बता देंगे। ये रहा गाइस हमारा प्रीसेट, इस प्रीसेट को हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 3 डॉट आप लोग को दिखाई दे रहा है राइट साइड में, 3 डॉट पर टाइप करके कॉपी सेटिंग इधर आप लोग को मार्क मार के दिख रहा है, कॉपी सेटिंग पे हम लोग क्या करेंगे डन कर लेंगे। कॉपी सेटिंग पे डन करने बाद उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, इधर देखिए अपना ओरिजिनल पिक लेना, इसको गाइस कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने बाद एक ही के लिए में कुछ हमारा फोटो ऐसा हो जाएगा, देख सकते हो कितना कमाल का एडिट हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद गाइस इतना प्रोसेस होना है, शेयर वाला आइकन पर गाइस टाइप करके अपना फोटो को आप लोग इधर से शेयर कर लेना है। किस में गाइस कौन सा ऐप है, स्नैपसीट ऐप में गाइस इसके लिए शेयर करेंगे अपना फोटो को कि गाइस स्नैपसीट टाइम में गाइस चाचा हमारा ब्लैक और रेड टोन रहता है वहां से हम क्या करेंगे इसको इरेज कर देंगे। देख सकते हो हमारा हैंड पे जाना आप लोग को मार के दिखा है कितना ब्लैक रहा है, इसको हम क्या करेंगे सिलेक्टेड टूल पे आएंगे। सिलेक्ट टूल पे आने पर जहां जहां हमारा ब्लैक और रेड टोन दिखाई दे रहा है हम सेम प्रोसेस करके सेलेक्ट करके अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम सेलेक्ट कर लिए, सेम प्रोसेस करके आप लोग भी ऐसा करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हो आपका भाई कितना अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर रहा है, सेम प्रोसेस करके आप लोग भी जहां जहां ब्लैक और रेड टोन रहेगा आप लोग ऐसा करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी सेलेक्ट कर लेना है जहाँ जहाँ आप लोग ब्लैक और रेड टोन रहेगा। और इसका आगे का जो प्रोसेस है आपका भाई सारा कुछ आपका स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको समझाएगा डिटेल से, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका भाई सारा कुछ बताएगा 110% आप लोग जैसा आप लोग थंबनेल में आपका भाई दिखाया सेम फोटो एडिट करके दिखाएगा। बस आप लोग को रिक्वेस्ट है एंड तक गाइस बस वीडियो में बनना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना ना देखिए, जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक और रेड टोन रहेगा तो आप लोग सिम्प प्रोसेस करके ऐसा करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, इधर देखिए फेस को स्मूथ करेंगे। फेस को गाइस स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा ब्रश आप लोग को बताएंगे। शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करके इधर ही से अपना फोटो क्या करेंगे आर्ट ब्लॉक स्केच बुक ऐप में गाइस अपना फोटो को हम लोग क्या करेंगे शेयर कर लेंगे। इसमें गाइस शेयर करने में कुछ हमारा फोटो का इंटरफेस ऐसा खुलेगा, कुछ फोटो का इंटरफेस ऐसा खुलने बाद गाइस आप लोग को कौन सा ब्रश वाला आइकन पे आ जाएंगे, कौन सा ब्रश को आप लोग को यूज करना है। सबसे पहले ए वाला ब्रश को आप लोग को यूज करना है, ए वाला गाइस हम लोग क्या करेंगे ब्रश को ले लेंगे। उसके बाद गाइस इतना करके सेटिंग को आप लोग को रख लेना, आप लोग को नहीं समझ आता आप लोग 3 डॉट पर टाइप करके आप लोग स्क्रीन शॉट करके रख लेना है। स्क्रीन शॉट पर रखने बाद गाइस दोनों फिंगर्स अपना फोटो को जूम करके बस अपने फेस को क्या करना अच्छे तरीके से स्मूथ करना। देख सकते हो आपका भाई कितना अच्छे तरीके बस अपने फेस पे आप लोग डोलाओगे ना आप लोग को जैसा कंफर्टेबल महसूस होता होगा वैसा करके आप लोग फेस को अपना स्मूथ करेंगे तो आप लोग का फोटो जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मस्त तरीके से स्मूथ होता है। तो देख सकते हो आपका भाई ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग आपका भाई स्मूथ करता है। और इसका आगे का जो प्रोसेस आपको बताया आपका भाई सेट का कलर कैसा चेंज कर, बैकग्राउंड को कैसा चेंज कर सारा कुछ आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा देगा। पहले आप लोग फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा, आप लोग स्मूथ नहीं करना है तो नेक्स्ट वीडियो आपका भाई बताएगा फेस को स्मूथ करने के लिए। बहुत सारे भाई लोग को कमेंट आ रहा था कि गाइस हमको फेस स्मूथ करने नहीं आता एक के बाद, क्योंकि गाइस आपका भाई बताएगा वो भी बताएगा इतना अच्छे तरीके से अभी तो कोई आप लोग को बता नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग का भाई समझाएगा। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से आपका भाई फेस स्मूथ कर रहा था, आप लोग को आराम आराम से करना है। और गाइस आप लोग को थोड़ा भी
हड़बड़ाना कि गाइस जल्दी में तो काम गड़बड़ हो जाता, आप लोग को भी पता है कि गाइस आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग सोचते हो फोटो को स्मूथ करके हम पूरा फोटो स्मूथ एडिट कर लेते, नहीं होता है मेरे भाई। कि गाइस एक फोटो एडिट करने के लिए कम से कम आधा घंटा 20 मिनट आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप लोग को स्मूथ होगा। कि गाइस हमारा भी इतना टाइम लग जाता, लेकिन बट हम क्या किया ना, अपना फेस को जल्दी जल्दी करके स्मूथ कर लेंगे। कि गाइस जल्दी जल्दी करके स्मूथ स्मूथ तो आराम से करें, लेकिन वीडियो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। कि गाइस आप लोग को लगता होगा ना आपका भाई 10-11 मिनट में फोटो एडिट कर लेता, लेकिन कोई भी 10-11 मिनट में फोटो एडिट नहीं कर पाएगा। कोई भी कितना भी एडिटर है, कितना भी बड़ा एडिटर है, लेकिन नहीं कर पाता है। तो लेकिन इसके गाइस आपका भाई जल्दी जल्दी करके वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया तो वीडियो का क्या होता है, लेंथ कम हो जाता है और आप लोग को भी अच्छा लगता है। इसके लिए गाइस आपका भाई पूरा स्मूथ करके नहीं दिखाता, थोड़ा सा आप लोग को फास्ट कर देता है। कि गाइस आप लोग को भी टाइम वेस्ट रहा, आप लोग भी अच्छे तरीके से फोटो एडिटिंग करना आप लोग भी सीख जाओ। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं स्मूथ, ऐसा करके सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से सेम ऐसा करके आप लोग भी करना है। देख सकते हो गर्दन पे भी हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से स्मूथ करते हैं, सेम प्रोसेस करके आप लोग भी कर लेना है। और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में बेल आइकन बटन भी आप लोग को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो हम फाइनली क्या करते हैं, जल्दी करके स्मूथ कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा फोटो देख सकते हो स्मूथ हो चुका है। तो स्मूथ होने में गाइस हमारा फोटो रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया है। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, इधर ही शेयर वाले आइकन पर गाइस टाइप करके अपना फोटो क्या करेंगे, कट काटेंगे। अपना फोटो काटने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए शेयर वाले आइकन पर गाइस आप लोग टाइप कर लेंगे, कुछ आप लोग का भी फोन ऐसा करके लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने बाद गाइस उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, अपना फोटो को किसमें शेयर करना, फोटो रूम ऐप में गाइस अपना फोटो को आप लोग शेयर कर लीजिएगा। फोटो रूम ऐप में गाइस शेयर करने में कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने में कुछ आप लोग का भी फोटो ऐसा करके स्कैन करके फोटो रूम में गाइस इसके लिए शेयर करना आप लोग को। कैसे आप लोग डाटा निकाल लेंगे तभी ऐसा करके आप लोग ऐसा करके आप लोग करेंगे तो आप लोग का फोटो कुछ ऐसा करके स्कैन करेगा। स्कैन करने बाद कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा, आप लोग इधर मार्क मार्क के दिखा रहा है, इस मार्क पे आप लोग को टाइप करना है। इस मार्क पे गाइस आप लोग को टाइप कर देंगे तो इस मार्क पे गाइस आप लोग को टाइप करेंगे, कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। उसे शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले अपिका टैब में गाइस अपना फोटो को ओपन कर लेना। ऐड फोटो पाके आप लोग बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PNG प्रीसेट का सारा कुछ मिल जाएगा, आप लोगों से आके बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, देखिए ऐड फोटो पे आना है, अपना फोटो जो फोटो को सबसे पहले फोटो को स्मूथ करके काटे तो फोटो को लेके दोनों फिंगर से सब ऊपर उसका फोटो को आप लोग को बैठा लेना है। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम बैठा लें। उसके बाद जैसे अपने लोगों के यहाँ से हम क्या करेंगे, इरेज कर लेते हैं, इरेज हो गया। उसके बाद डन वाले आइकन पर गए हम लोग टाइप करके सबसे पहले आप लोग को सेट को देखिए, सेट हमारा CV एडिटिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, हमारा फोटो अच्छा नहीं लग रहा और मस्त नहीं लग रहा है। इसके लिए गाइस आप लोग क्या करना है, इधर देखिए एडिट वाला आइकन पर आप लोग को टाइप करना है। एडिट वाला आइकन पर गाइस आप लोग को टाइप कर देंगे, देखिए इधर एडिट वाला आइकन पर गाइस आप लोग को टाइप कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद गाइस ऐसा करके स्क्रॉल करके आएंगे, इधर देखिए इधर मार्क मार के दिखा रहा है, इस वाला आइकन पर गाइस टाइप करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर का गाइस आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, दूसरे नंबर पर एक बार और टाइप करेंगे तो कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसको भी फर्स्ट नंबर पर जो आएगा उसको सेलेक्ट करके उसको माइनस करके इतना करके कितना 27 करके आप लोग को रख लेना है। इधर मार्क मार के इतना करके रखना है, पेंसिल आइकन पर गाइस टाइप करके इस पर आप लोग टाइप करें, इफेक्ट हट जाएगा। बस आप लोग का क्या करना है ना, अपना सेट करके ऐसा करके इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम अपने सेट पे ऐसा करके इफेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो सेम तरीके से आप लोग भी बस अपने सेट पे अप्लाई करना है। कि कैसे आप लोग बैकग्राउंड पे इस सेट को अप्लाई कर देंगे तो आप लोग को क्या होगा, बैकग्राउंड सारा कुछ खराब हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसा करके आप लोग सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना सेट पे ऐसा करके अप्लाई कर लेना। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपने सेट पे बस अप्लाई करना, कि कैसे आप लोग बैकग्राउंड पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बैकग्राउंड पे अप्लाई करेंगे तो आप लोग का फोटो क्या होगा ना, बहुत ही खराब हो जाएगा। बहुत ही क्या ही अब लोग बताए, फोटो आप लोग को खराब हो जाएगा। इसके लिए गाइस आपका भाई बोला है बस आप लोग को सेट पे ऐसा करके इफेक्ट को डालेंगे तो आप लोग का फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त और बहुत ही झक्कास, जितना भी बोले तारीफ करे उतना ही कम रहेगा। आप लोग को सेट पे चमक देना और सेट पर कैसे लाइट देता है, तो ऐसा ये सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना है। उसके बाद गाइस दोनों तो मैच करा के दिखा दोगे। उसके बाद डन वाला आइकन पर गाइस टाइप कर सबसे पहले हमारा जो PNG है इधर लाइट का PNG ऐड फोटो पर जाएंगे, सॉरी गाइस स्टिकर वाला आइकन पर जाएंगे, इसको ब्लेंडिंग करके यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा लाइट का PNG इसको करके सॉफ्ट करके इसको F2 को थोड़ा सा कम करके यहाँ बैठा लेंगे। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, डन वाला आइकन पर गाइस टाइप करके फिर से गाइस हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पर गाइस जाने बाद हमारा जो PNG प्रीसेट है सारा कुछ हम ले लेंगे PNG को। उसके बाद इसको भी ब्लेंडिंग करके ऊपर की साइड में लगा लेंगे। उसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस करके ब्लेंडिंग करके इसको भी यहाँ पर लगा लेंगे। तो हमारा फोटो देख सकते हो अभी कितना मस्त दिख रहा है।
तभी आप लोग के दिमाग में चलता कि वाइस अपना सेट को कलर चेंज करके नहीं बताए, तभी वो भी आप लोग बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को ध्यान से देखना है वीडियो को, उसके बाद यहाँ से गाइस अपना सेट को कैसे कलर को चेंज करना है, कौन सा ऐप में सबसे बेस्ट रहता है, शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो क्या करना है ऑटो डॉक स्केच बुक ऐप में गाइस फिर से शेयर कर लेना। उसके बाद गाइस इसमें शेयर करने बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप लोग को वीडियो देखना है। इसके बाद एक डुप्लीकेट लेयर आप लोग को बनाना है। क्या करते हैं आप लोग बहुत ही सारा गलती करते तो क्या आप लोग को वैसा नहीं होता। डुप्लीकेट एक लेयर बना के इधर देखिए सॉफ्ट लाइट करके या नीचे वाले सबसे नीचे वाले को आप तीसरे नंबर पकड़ के रखेंगे फिर भी नहीं होगा। आप लोग क्या कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं येलो कलर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। येलो कलर को सेलेक्ट करने में बस आप लोग ऐसा करके चलाएंगे, देखिए आप लोग कुछ काम ही नहीं करता। क्यों नहीं काम करता तो आप लोग को ब्रश तो सेलेक्ट करो मेरे भाई, ब्रश ब्रश इसमें तो इधर कुछ आप लोग छेड़छाड़ करो कुछ काम नहीं करेगा। देखिए कुछ भी हम करेंगे तो उधर काम ही नहीं करेगा, तो आप लोग यही गलती करते हो। इसके लिए आप लोग को ट्रिक नहीं काम करता, सबसे पहले आप लोग को ब्रश को चेंज करना पड़ेगा। ये वाला ब्रश आप लोग को लेना है, देखिए इधर आप लोग को मार्क मार के दिखा रहा है, ये वाला ब्रश को आप लोग को लेना है। उसके बाद बस आप लोग ऐसे करके चलाएंगे तब देखिए काम कर रहा ना। उसके बाद देखिए आएंगे ये वाला गाइस आप लोग ब्रश को ले गए, देखिए ये वाला सेटिंग कर लेना। देखिए इधर से नीचे वाले तीसरे नंबर पाएंगे तो फिर भी नहीं काम करेगा, तो आप लोग क्या करना है ब्रश को देखिए ब्रश को वाला लेके ब्रश को बस अपने साइड पर ऐसा करके चलाएंगे। देखिए इसको ऊपर की साइड नीचे से तीसरे नंबर पर करके रख लेंगे, नहीं चौथे नंबर पर बेस्ट रहेगा, चौथे नंबर पर करके रख लेंगे। उसके बाद बस अपने साइड पर ऐसा चलाएंगे, देख सकते हो साइड का कलर कितना अच्छे तरीके से चमक और चमक नहीं आ रहा है, तो आप लोग को चमक आएगा कैसे अभी देखिए आप लोग को बताएंगे। बस अपने साइड का ऐसा करके कलर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। देख सकते हो आपका भाई कितना अच्छे तरीके से अपन साइड का कलर चेंज कर रहा है, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना साइड का कलर चेंज कर लेना है। तो देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम अपने साइड का कलर चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा करके आप लोग भी अपना साइड का कलर चेंज करना चाहते हो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। और कलर कुछ कैसा चेंज करेंगे वो भी आप लोग बताएंगे, जो हमारा जैसा थंबनेल में दिखा है तो वो भी कलर आप लोग को करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप लोग कलर को आप लोग को दिखा दे, उसका कलर आइकन का डुप्लीकेट लेयर बना तो उस पर टाइप करके, उसके बाद देखिए इधर कलर का ऑप्शन आएगा, इस पर टाइप करके बस आप लोग जो कलर रखना चाहते हो कलर रख सकते हो। जो आपका भाई दिखाए वो कलर करके रख लिया, तो देख सकते हो जैसा आपका भाई बोला था थंबनेल में जैसा आपका भाई दिखा दिया, तो आप लोग देख सकते हो जितना आप लोग जो जो प्रोसेस बताया था उस बैकग्राउंड को कैसे चेंज करा जाता, बैकग्राउंड को कैसे काटा जाता और शर्ट का कलर कैसे चेंज, सारा कुछ आपका भाई बता चुका। तो आशा करते वीडियो बहुत पसंद है, चैनल पर